हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में 2 एमसीक्यूज बताऊंगा लीनियर अलजेब्रा पर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये ले रहे हैं कि लेट भी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलीनोमियल्स इन एक्स ओवर द फील्ड एफ ऑफ डिग्री लेस देन 3। भी जो है वो पॉलीनोमियल का सेट है, लेकिन कैसा पॉलीनोमियल? डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें वैसा ही सारा पॉलीनोमियल है जिसका डिग्री या तो 3 होगा या उससे कम होगा, और वो पॉलीनोमियल एक्स में है, डिफाइंड है ओवर द फील्ड एफ। एंड ये जो है वो बेसिस है, 1x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये जो चार एलिमेंट है, दिस इज द बेसिस ऑफ भी। अब इस भी जो वेक्टर स्पेस है वहाँ पर एक ऑपरेटर डिफाइंड कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड कर रहे हैं। देन द मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? देखिए, डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन है डी फ्रॉम वी टू वी। तो ये डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड करना है रिलेटिव टू द बेसिस। दिस, ये जो बेसिस यहाँ पर था, उस बेसिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स क्या होगा, जरा समझिएगा। मान लीजिए भी का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें तो भी में जो एलिमेंट है वो तो पॉलीनोमियल है, और लेस देन 3 डिग्री का पॉलीनोमियल है। मान लेते हैं हम लोग 2 + 5x + 7x² है, ये एक भी का मेंबर है, सपोज कर लेते हैं। तो डी जो है डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इसमें हम लोग इस पॉलीनोमियल में डी लगा देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बराबर आएगा। क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका 5, और इसका हो जाएगा 14x। इस तरीके से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया गया है। यहाँ पर भी से भी में जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो डी है, डिफरेंशिएशन है। मान लेते हैं यहाँ पर 2x है, तो ये किसके साथ एसोसिएट होगा? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2। मान लीजिए यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का किसके साथ एसोसिएट होगा? एक्स क्यूब जो है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 3x². यहाँ पर मान लेते हैं 2x + 5x² है, तो ये किसके साथ एसोसिएट होगा? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 + 10x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका मैट्रिक्स निकालना है, और इसका मैट्रिक्स निकालना है यहाँ जो बेसिस है, बेसिस के जगह ये है 1x, x² x³, यही बेसिस है, इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर भी से भी में ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया वो भी से भी में, इसका बेसिस 1x, x² x³ है, इसका बेसिस भी यही है 1x, x² x³, सेम वेक्टर स्पेस है, तो दोनों का बेसिस यही है। अब क्या करते हैं हम लोग मैट्रिक्स निकालने के लिए, हम लोग इसका जो बेसिस होता है, मान लेते हैं इसका बेसिस α1 α2 ... αm है, तो α1 का जो इमेज आएगा उसको इसके बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं, इसका जो बेसिस होगा उसका लीनियर कम्बिनेशन। तो यहाँ पर तो बेसिस ये है, तो यहाँ पर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन इमेज होगा, 1 का जो इमेज आएगा, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इस बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में। तो 1 का अगर हम लोग ऑपरेटर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, तो डी ऑफ 1 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 हो जाएगा। अब इस 0 के इसके लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा 0 का? यहाँ पर 0 × 1 + 0 × x + 0 × x² + 0 × x³, ये लीनियर कम्बिनेशन हो जाएगा। अब फिर x का हम लोग डी इमेज निकालते हैं, तो x का डी इमेज तो 1 हो जाएगा, डी इमेज मतलब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, और 1 को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं 1 × 1 + 0 × x + 0 × x² + 0 × x³, ये तीनों 0 हो गया, सिर्फ 1 बच जाएगा। फिर अब हम लोग एक्स स्क्वायर का डी इमेज निकालते हैं, और इसका इमेज आएगा 2x, डी इमेज मतलब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब इस 2x को लिखते हैं 0 × 1 इसके लीनियर कम्बिनेशन में, +2 × x + 0 × x² + 0 × x³। देखिए ये तीनों 0 हो गया, सिर्फ 2x बच जाएगा। और फिर लास्टली एक्स क्यू का हम लोग डी इमेज निकालते हैं, तो एक्स क्यू का डी इमेज आ जाएगा 3x². अब इसको हम लोग इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं, तो 0 × 1 + 0 × x + 3 × x² + 0 × x³, ये 3x² के बराबर ही आ रहा है।
अब इसका अगर हम लोग मैट्रिक्स निकालना है, डी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, और इस ऑर्डर्ड बेसिस को अगर हम लोग बी मान लें, तो इस ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर इसका मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं। ये जो कोएफिशिएंट आया है, जब वन को लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस किए हैं इसके लीनियर कम्बिनेशन में, तो जो कोएफिशिएंट आया है उसको कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, जीरो 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 जीरो, ये कॉलम यहाँ पर एक कॉलम बना देंगे, जीरो 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 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में इसका कोएफिशिएंट वाला लिखेंगे तो वन जीरो जीरो जीरो, थर्ड में हम लोग इसका कोएफिशिएंट वाला लिखेंगे कॉलम में जीरो टू जीरो जीरो, थर्ड में इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे जीरो जीरो थ्री जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स बना इस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, डी जो डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन था उसका मैट्रिक्स बन गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी, यहाँ जो बेसिस है ये था। तो अब ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ये चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो इसका मतलब इस यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन ऑपरेशन था, डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन था, उसका हम लोग मैट्रिक्स निकाल लें, ये सी जो है वो सही होगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, लेट टी फ्रॉम आर क्यू टू आर स्क्वायर बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है थर्ड टपल स्पेस से सेकेंड टपल स्पेस में, एक्स वाई जेड का जो इमेज होगा वो एक्स कॉमा वाई है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू। तो हम लोग को निकालना है व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यू एंड बेसिस 1, 0, 1, 1 ऑफ आर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन कहता है जरा देखिए, यहाँ पर आर क्यू से आर स्क्वायर में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स वाई जेड का इमेज यहाँ पर एक्स कॉमा वाई है, देखिए एक्स वाई जेड का इमेज एक्स कॉमा वाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से है, एक्स वाई जेड का इमेज एक्स कॉमा वाई, सिर्फ शुरू वाला दो एलिमेंट होता है। अब इसका इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स निकालना है, तो मैट्रिक्स निकालना है इसका बेसिस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पर यूज करना है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यू एंड बेसिस ऑफ दिस, इसका जो बेसिस है वो 1, 0, 1, 1 है। तो देखिए यहाँ पर आर क्यू का जो बेसिस होगा उस बेसिस को अगर बी मान लें, तो ये बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस है, तो 1, 0, 0 फिर 0, 1, 0 और फिर 0, 0, 1 ये बेसिस हो गया। और आर स्क्वायर का अगर बेसिस की बात करें तो इसका अगर बी वन मान लेते हैं तो इसका बेसिस है 1, 0 और 1, 1। अब क्या करना पड़ेगा, इस बेसिस के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका इमेज निकालते हैं 1, 0, 0, इसका इमेज आएगा क्या, एक्स वाई जेड का इमेज सिर्फ एक्स वाई आता है, तो 1, 0, 0 का इमेज सिर्फ 1, 0 आएगा। अब इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, इसको 1 × 1, 0 प्लस 0 × 1, 1 लिख सकते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा, और इसके साथ ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो सेकेंड एलिमेंट है 0, 1, 0 इसका इमेज निकालते हैं, तो इसका इमेज इस डेफिनेशन से 0, 1 आएगा। अब इसको इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा अरेंज कीजिए ताकि इसके लीनियर कम्बिनेशन में आ जाए। अगर यहाँ 1, 0 लिख दें और यहाँ 1, 1 लिख दें, तो ये लास्ट वाला आना है 1 और फर्स्ट वाला जो है वो 0 आना है। तो ऐसा करते हैं, अगर यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए -1 से करेंगे तो -1, 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 से करेंगे तो 1, 1 दोनों ऐड करेंगे, -1 + 1, 0 और 0 और 1, 1 आ जाएगा। तो लीनियर कम्बिनेशन में आ गया 1, 0 और 1, 1 के लीनियर कम्बिनेशन में। फिर हम लोग T0, 0, 1 इसका निकालते हैं, तो इसका इमेज आएगा 0, 0, इसको लिख सकते हैं 0 × 1, 0 + 0 × 1, 1 इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो 0 वेक्टर ही आएगा। तो अब देखिए ये तीनों का, ये जो आर क्यू का यहाँ का जो बेसिस था और यहाँ का जो बेसिस था, यहाँ लिखे हुए हैं इसके बेसिस के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिए हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा, इसका मैट्रिक्स निकालना है, टी का मैट्रिक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी बी वन, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो जाएगा ये जो
कोएफिशिएंट आया है उसको कॉलम में लिखेंगे 1 0, सेकेंड वाला का सेकेंड कॉलम में, थर्ड वाला का थर्ड कॉलम में। तो अब देखिए कौन सा है, 1 -1 0 0 1 0 1 -1 0 0 1 0, मतलब ये सी ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आज जो मैं बताया हूँ वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू बताया हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी और भी कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।